आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आप लोग भी इनरोलमेंट आईडी से इनरोलमेंट नंबर से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आप लोग डेफिनेटली सीखने वाले हो आज ये ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने इनरोलमेंट आईडी लिख रखी है और जो डेट है वो भी लिख रखी है और जो टाइम है वो भी लिख रखा है। ठीक है, जो कि हमें पर्ची पर लिखा हुआ दिखता है रसीद पर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी में सबसे पहला जो काम होता है वो ये नंबर डालने का होता है। ठीक है, तो ये 16 अंकों का नहीं होता, ये कितने अंकों का होता है, हाँ 16 अंकों का नहीं होता, ये 14 अंकों का होता है। तो ये हम सबसे पहले डालेंगे 06255। ठीक है, सबसे पहले आपको ये नंबर डालना होता है। उसके बाद अब बात आ जाती है हमें डेट डालने की। तो डेट को किस तरह डालना है वो समझ लेते हैं। डेट को हमें डालना होता है उल्टा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर डालेंगे, ईयर क्या चल रही है 2023। उसके बाद डालेंगे मंथ जो बीच में आता है 09। उसके बाद डालेंगे डेट। ठीक है, डेट कितनी है 18, समझ गया ना, पहले ईयर फिर मंथ फिर ईयर डेट सॉरी। तो उसके बाद भाई आ जाती है बात इसकी टाइम की। टाइम को हमें सीधा डालना होता है, सबसे पहले घंटा डालेंगे 12:28:08। समझ गए, सबसे पहले इसको सीधा, इसको उल्टा, फिर इसको सीधा। ये पता नहीं क्यों उन्होंने चेंज किया, कोई रीजन रहा होगा उनका। फिलहाल आपको इसी तरह से डालना है। उसके बाद ये कैप्चा डाल देते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओटीपी तुरंत चला जाएगा जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे। तो यहाँ पे हमने कैप्चा डाल दिया और सेंड ओटीपी क्लिक कर देंगे। तो ये देख सकते हैं लुक कर आ गया ना, सेंड ओटीपी डिस्पैच्ड ऑन आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ओटीपी डालने का ऑप्शन भी आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इनरोलमेंट आईडी से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बाकी आप लोगों को तो पता ही है कि आगे क्या करना है, ओटीपी डालना है और पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप लोग खोल लेंगे और प्रिंट कर देंगे। गाइज अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।